हेलो स्वागतम सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज इस लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं वैक्सीनेटर्स BPH6 की टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें कौन कौन सी हम चीज़ें पढ़ेंगे और आखिर तक जो 2 मंथ जब गुजर जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी समझ। ठीक है, तो हम पहले तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। उधर मुझे एक आपको बात बतानी है, देखें ये एडवर्टाइजमेंट दी गई थी STS वालों की तरफ से, आप लोगों में से जिन्होंने भी फॉर्म फिल करवाया होगा उनको ये पता होगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकती थी। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है इनको अप्लाई करने के लिए। सामने जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं जैसे ये अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने भी ये अप्लाई कर दिया है तो वो हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पर नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करके। और दूसरी बात आपको मैं बताता जाऊँ कि जब हम टेस्ट की तैयारी करेंगे ग्रुप्स में तो उसमें आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि STS वालों ने पासिंग स्कोर पहले मेंशन कर दिया है। तो जो भी सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं अभी तो उन्होंने फाइनल सिलेबस नहीं दिया, जब फाइनल सिलेबस दे देंगे तो उसमें जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपकी 50% मार्क्स ज़रूर होनी चाहिए, 50 मार्क्स से कम वाले फेल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तैयारी करें ताकि कम से कम आप 50 मार्क्स उठा सकें, लेकिन 50 मार्क्स उठाना काफ़ी नहीं होता, आप अच्छे मार्क्स उठाएंगे तभी आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है अगर आपका स्कोर लो है। ठीक है, तो आप अच्छी से तैयारी करें ताकि आपका स्कोर एटलीस्ट 65+ आना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो इंटरव्यू कॉल की चांसेस ज़्यादा हो। अब चलते हैं हम जो आज की प्रेजेंटेशन का मेन फोकस है उसकी तरफ। देखें कैंडिडेट्स, हमने जब बैच ज्वाइन की स्टार्ट करने का बताया था आपको, तो उसमें सबसे पहले आपको मैं सिलेबस एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको मैंने शेयर कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ ताकि सबको आइडिया हो जाए। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस मैंने पिछले जो टेस्ट हुए उसको देखकर गेस किया है, और जब फाइनल सिलेबस आएगा तो वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। सबसे पहले उसमें इंग्लिश क्योंकि बहुत सारे टेस्ट वगैरह में आती है और जनरल एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इंग्लिश की बेसिक जैसे कि मैट्रिक की लेवल तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके आपको नोट्स रैली के बेसिस पर आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें सब्जेक्ट है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन का सब्जेक्ट जो है वो सबसे अलग है और इसकी तैयारी आपके लिए बहुत अहम है, और इससे हो सकता है 20 या 30 सवाल 100 में से डिपार्टमेंट वाले या STS वाले आपको दें। तो वैक्सीनेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन में मैं आपको कवर कराऊंगा। बाकी तो जो चीज़ें बाकी जो हैं वो सब्जेक्ट्स वो अक्सर सेम टेस्ट में रिपीट होते हैं या सेम होते हैं, वैक्सीनेशन का सब्जेक्ट अलग है दूसरे सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के सवाल आ सकते हैं। उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। तो ये बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो मैट्रिक लेवल के होंगे। वैक्सीनेशन जिसके पास अपना एक्सपीरियंस होगा वैक्सीनेशन का, उसको तो ये सारा प्रोसेस पता होगा कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती हैं, क्या प्रोसेस होता है उनको लगाने का, कहाँ पे रखनी होती है, कौन से टेम्परेचर में रखनी होती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो जो है बैच में देखेंगे। और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो कैटेगरी होगी वो मैट्रिक होगी, मैट्रिक लेवल होगी वो मैट्रिक होगी। ठीक है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन क्राइटेरिया है तो इन सारे सब्जेक्ट्स की जो क्वेश्चंस की लेवल होगी वो मैट्रिक होगी। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल सिलेबस होगा वो STS जैसे ही अनाउंस करेगा, सिंध टेस्टिंग सर्विस जैसे ही अनाउंस करेगा। ये STS का मकसद है सिंध टेस्टिंग सर्विस, सिबा नहीं है, IBA वाला STS नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो सिंध टेस्टिंग सर्विस जब भी इनका जो फाइनल सिलेबस या एग्जैक्ट सिलेबस जिसको हम कहते हैं जैसे ही अनाउंस करेगा तो हम ये जो हमारा सिलेबस है इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स माइनस भी कर सकते हैं एज पर फाइनल सिलेबस, क्योंकि अभी इन्होंने सिलेबस अनाउंस नहीं किया तो हम फिलहाल एक्सपेक्टेड सिलेबस पर जाएंगे तैयारी के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बताऊं कि जो वैक्सीनेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे थ्रू नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स हमारी इस बैच में कम होंगी और ज़्यादातर हमारे नोट्स होंगे। वीडियो लेक्चर्स क्योंकि मेरी पहले से ही बनी हुई है तो मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा ग्रुप्स में, इसीलिए मैंने ग्रुप्स की जो फीस है वो कम रखी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शामिल हो सकें।
क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर नोट्स हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड हैं और वो इसी टॉपिक्स पर ही बने हुए हैं। तो दोबारा से अगर मैं नोट्स बनाऊँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं वो जो वीडियो है वो शेयर करूँगा आपके साथ। और जहाँ पे भी अपडेट की ज़रूरत होगी, कोई भी चीज़ अगर अपडेट करनी है मुझे, या इंग्लिश में वीडियो बनाना है या इंग्लिश में नोट्स बनाना है, वो आपको ग्रुप में वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो वैक्सीनेशन का जो टॉपिक है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो ये देखिए सारा चार्ट में लिखा हुआ है। ये जो आपके सामने चार्ट नज़र आए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम इसको कहते हैं। जो पिछले बैचेस में हमारे साथ कैंडिडेट्स हैं उनको ये पता होगा, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो ये इस चार्ट को अच्छे से देख लें। हो सकता है इसमें आपको एक भी बात समझ नहीं आए या थोड़ी बहुत बातें आपको समझ आए, लेकिन जब आप 2 मंथ्स हमारे ग्रुप में रहेंगे तो इस कंप्लीट चार्ट के जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। जैसे कि बच्चों को 15 माह की उम्र तक 6 दफ़ा वैक्सीन देने से आप उन्हें 12 जानलेवा बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, तो जो बच्चा होता है तो उसको जो वैक्सीनेशन होती है, 6 दफ़ा वो जाता है वैक्सीनेशन सेंटर पर, वो वैक्सीन करवाता है। और उसमें 12 जानलेवा, क्या मतलब, जो डेडली डिजीज होती है वो 12, उनसे इलाज हम कर सकते हैं उस बच्चे का, ठीक है, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये जो सारी कितनी कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, कौन सी उम्र में लगती है और वो बीमारियां कौन सी है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उम्र कौन सी होती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट जो वैक्सीनेशन देखें, ये नाम लिखे हुए इधर, इन सबको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, और ये डिजीज हैं इनको भी हम अलग अलग से पढ़ेंगे। और इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा ग्रुप्स में, जो भी ग्रुप्स में शामिल होंगे कैंडिडेट्स या जो अभी शामिल हो चुके हैं उनको भी मैं ये चार्ट वगैरह चार्ट भी हम उसको प्रोवाइड करें उनको प्रोवाइड करेंगे, और जो इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि NTS का जो अभी टेस्ट हुआ था कुछ मार्च में 2023 में, उन्होंने इंग्लिश में टेस्ट लिया था, तो हम कोशिश करेंगे कि STS वाले भी मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश में ही टेस्ट लेंगे। तो जो भी हमारा उर्दू में मटेरियल बना हुआ है वो हम उसको करेंगे, कोशिश करेंगे उन सारे नोट्स को हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आपको वो दे दें चीज़ें, ताकि आपको दोनों चीज़ें आपके पास हो, उर्दू में भी हो और इंग्लिश में भी हो, और आपको पढ़ने में भी आसानी हो, और अगर टेस्ट किसी भी लैंग्वेज में आता है तो आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हमारा मटेरियल वो उर्दू में बना हुआ है, हम उनको इंग्लिश में करने की कोशिश करके आपको प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में। बाकी जो भी नोट्स हैं GK वगैरह के वो भी आपको इंग्लिश में मिलते रहेंगे। इसके बाद जो आता है वो हाउ टू ज्वाइन ग्रुप, पेड ग्रुप एंड फीस स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे ग्रुप की। तो फीस पहले मैंने रखी थी 1000, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे बने हुए हैं ऑलरेडी, तो फीस मैंने कम करके रखी है 600। और उसमें मेनली आपको नोट्स दिए जाएंगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ एक्सपेक्टेड सिलेबस से शेयर किया है। इसमें अगर कोई चेंजिंग होती है तो वो मैं आपको बीच में करा के इसी फीस में आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। जो भी एग्जैक्ट सिलेबस आता है उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो वो मैं वो भी सब्जेक्ट उसमें ऐड करके उसके नोट्स वगैरह बना के वो भी आपसे शेयर करेंगे। और नोट्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी हम लेते हैं वीकली, जो आपकी ग्रुप्स में आप दे पाएंगे, ठीक है। तो वो मॉक टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा, जो भी नोट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे 2 मंथ्स के पीरियड में, जिसकी फीस 600 है। तो नोट्स एंड मॉक टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर एक्सपेक्टेड सिलेबस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट भी आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में से लिए जाएंगे। जिनको भी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो वो हमारे जो व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा है, देखें उसमें आप रब्ता करके ये जो कोर्स की फीस है वो पे करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। जो ग्रुप्स के मेंबर ऐड हो चुके हैं उनको भी मटेरियल हम स्टार्ट कर देंगे देना ग्रुप्स में, ताकि वो स्टडी स्टार्ट कर दें। अभी भी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तैयारी तो आप हमारे ग्रुप में ज़रूर एक्टिव रहा करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो जो भी कैंडिडेट्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, ताकि हम उनको ऐड कर सकें और तैयारी वो स्टार्ट कर सकें। आप अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे ये सारे वीडियो जो भी हैं वो सर्वेत इंसाइक्लोपीडिया चैनल जो है मेरा यूट्यूब का, उधर भी अपलोडेड हैं, वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छे वीडियो बने हुए हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए या मॉक टेस्ट वगैरह के ग्रुप में शामिल होना है वो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं फॉर कम्प्लीट प्रिपरेशन। आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।